कहाँ आती रहेगी? करंट में, बाकी जो बच जाएगी वो नॉन करंट। नेक्स्ट 58, ऑन 1st October विंस्टन्स एसेट्स टोटल 10,000, सही, एंड इज लाइबिलिटीज टोटल 3,000। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लें, कैपिटल आ जाएगा कितना 7,000। कह रहे हैं ऑन 2nd October ही पेड 190 टू अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग $10 कैश डिस्काउंट। आपको कैपिटल बताना। अब देखो ये वैसे तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, मैं आसान तरीके से आपको सॉल्व करा के बता देता हूँ, दोनों से बता देता हूँ। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। भाई आसान तरीका पहले समझ लें, आसान तरीका ही कर लें तो अच्छा है। पहले कैपिटल है हमारा 3,000, कैसे आया था भाई? एसेट्स 10,000 और लाइबिलिटी कितनी है 3,000। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी तो कैपिटल कितना बचा 7,000। यार वो कह रहा है हमने सप्लायर को पेमेंट दी और हमें डिस्काउंट मिला है $10। आसान बात तो यह है कि $10 डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होता है? अदर इनकम। इनकम से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है तो कैपिटल कितना हो जाएगा 7010। कैपिटल कितना हो गया 7010। ये आसान तरीका। एक और भी बात हो सकती है, अगर हमने पेमेंट की, इसकी डबल एंट्री देख लें, जो पेमेंट की 190 पेमेंट की, क्रेडिटर को डिस्काउंट है 10, इसका मतलब एसेट कितने से कम होगा 190 से, लेकिन लाइबिलिटी कम होगी कितने से, पूरे 200 से, क्योंकि यार ये जो $10 रह गए अब हमें उनको देने की ज़रूरत तो नहीं है ना $10। तो क्या करें भाई, एसेट्स ने 10,000 माइनस 190 कर लें तो ये हो जाएगा 9810 और लाइबिलिटी कितनी है 2800। एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करो, यही आएगा कैपिटल। देखो जरा 9810 माइनस 2800 इज इक्वल टू 7010। 7010 हमने डायरेक्टली निकाल लिया तो कैसे, पुराना कैपिटल था 7,000, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम है, अदर इनकम ऐड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, सही, रिवाइज करो।